हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ब्लाउज बैक नेक डिज़ाइन प्लस प्रिंस कट। इसके लिए हम सबसे पहले मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। मेन फैब्रिक के लिए मैंने कंधी पर यहाँ 6 इंच का निशान लगा लिया है और आर्म होल पर 6.5 इंच का निशान लगा लिया है। अब हम इन दोनों निशानों को मिला देंगे और यहाँ गोलाई दे देंगे। इसके बाद हम लंबाई लेंगे ब्लाउज की, जितनी भी लंबाई हमें ब्लाउज की रखनी है उससे 1 इंच ज़्यादा हम उसमें ले लेंगे। मैंने यहाँ 14 इंच पर निशान लगाया है। इसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। यहाँ हम लहंगे के लिए ब्लाउज बना रहे हैं तो यहाँ बिगर बेंट वाला ब्लाउज बनाएंगे हम। बस इसको ऐसे ही हम अस्तर पर रखकर अस्तर की कटिंग कर लेंगे। अस्तर की कटिंग करने के बाद हम सबसे पहले अस्तर में गला बनाएंगे। अस्तर में गला बनाने के बाद फिर हम मेन फैब्रिक का रखकर उसको पलटेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ गले पे निशान लगा लेते हैं। 2.5 इंच पर चौड़ाई में निशान लगाया है और 3.5 इंच पर चौड़ाई का निशान लगाया है। इसे हम गोलाई दे देंगे और पलट लेंगे। गला आप चाहें तो अपने हिसाब से डिज़ाइन वाला या गोल रख सकते हैं। इसकी डीप जितना आप इसको डीप रखना चाहें वैसा कट कर सकते हैं। इसके बाद हम सबसे पहले हम पीछे के पार्ट को जोड़ेंगे। यहाँ पीछे के दोनों पार्ट को हमने अलग कर लिया है। हम मेन फैब्रिक को नीचे और अस्तर को ऊपर रखकर पहले इसमें सिलाई लगा लेंगे। यहाँ हम गले और गले के नीचे भाग वाली सीधी पट्टी पर सिलाई लगा लेंगे और फिर इसको पलट देंगे। स्लीव्स का ब्लाउज बना रहे हैं। इसके लिए हम आर्म होल पर भी सिलाई लगाकर इसको पलट देंगे। आप चाहें तो बाद में इसे पट्टी लगाकर भी पलट सकते हैं। अच्छे से पलट लेंगे और पलटने के बाद हम इसके ऊपर एक फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे जिससे हमारा अस्तर और मेन फैब्रिक अच्छे से सेट हो जाए। जैसे हमने ये पार्ट तैयार किया है वैसे ही इसका दूसरा पार्ट भी हम तैयार करेंगे। पीछे के हमारे दोनों पार्ट तैयार हैं। आगे के पार्ट के लिए भी हम ऐसे ही मेन फैब्रिक को नीचे रखकर अस्तर को ऊपर रखकर अपनी सिलाई लगा लेंगे और उसको पलट देंगे। यहाँ हमारे दोनों पार्ट तैयार है। पीछे के ये बैक पार्ट है। इसके बाद हम आगे वाला भाग तैयार करेंगे। आगे वाला भाग तैयार करने के लिए भी हमने यहाँ इसको चारों तरफ सिलाई लगाकर पलट लिया है। अब हम ऊपर से इसकी फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे ताकि हमारे दोनों अस्तर और मेन फैब्रिक जो है अच्छे से सेट हो जाए।
आगे के पार्ट में एक सर लगाएं, बीस कट वाली सिलाई लगाएंगे। हम कट नहीं कर रहे, बस हमें आर्म होल से नीचे के साइड गोलाई में इसे सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद हम बैक पार्ट के लिए यहाँ फ्लावर बनाएंगे। इसके लिए हमने 3.5 इंच चौड़ा और 5 इंच लंबा एक कपड़ा लिया है, उसको हम ऐसे डबल फोल्ड कर कर सिलाई लगा लेंगे। डबल फोल्ड करके सिलाई लगाने के बाद हम इसको ऐसे पलट देंगे। हमने फ्लावर बना लिए हैं। अब हम पीछे के बैक पार्ट को रेडी करेंगे। इसके लिए हम दोनों पार्ट को 2 इंच की दूरी पर इसे रखते हुए इनमें फ्लावर अटैच कर देंगे। दोनों पार्ट के बीच हम 2 इंच की दूरी रखेंगे, इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। हमको इसे अटैच करते हुए पहले हम एक पार्ट में इसको सिलाई लगा लेंगे और फिर दूसरे पार्ट में जोड़ लेंगे। अब इनको बराबर दूरी पर रखें। ये हमने फ्लावर लगा लिए बैक नेक पे। अब हम इन दोनों को कंधियों से आगे का पार्ट इसे उल्टा रखते हुए कंधियों से जोड़ लेंगे। दोनों कंधियों को बराबर मिलाते हुए हम यहाँ सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसमें आस्तीन लगाएंगे। आस्तीन के लिए 2 इंच की ऐसी लंबी लंबी मैंने पट्टियाँ काट ली है। पहले हम इसको सर लगाते हुए पहले इनको फ्रिल बनाएंगे और इस फ्रिल को फिर हम आस्तीन में लगाएंगे। तो चलिए पहले इसकी फ्रिल बनाते हैं। हमें बराबर ऐसे सर देते हुए फ्रिल बना लेनी है। यह हमने फ्रिल बना ली है, इसे हम दूसरे साइड की फ्रिल भी तैयार कर लेंगे। अब हमें इसे नीचे की साइड ऐसे रखते हुए आस्तीन में हम इसको अटैच कर लेंगे।
की साइड की बाजू को भी तैयार कर लेना है। ऐसे ही फ्रिल हम दूसरी साइड भी अटैच कर लेंगे। देखिए अलग कर तैयार है। अगर आपको लगे तो आप यहाँ इसको बराबर काट सकते हैं, अगर छोटी या बड़ी कोई फ्रिल आपकी आ जाए तो। ऐसे ही हम दूसरी साइड भी लगा लेंगे। देखिए हमने दोनों साइड की फ्रिल्स लगा ली है। अब इसके बाद हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। ये हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है और हमारा ब्लाउज बनकर रेडी है। बैक पार्ट भी हमने तैयार कर लिया है। बैक पार्ट में हम चाहें तो इस फ्लावर के बीच में हम यहाँ पर एक स्टोन या मोती लगा देंगे। मैंने यहाँ पर वाइट मोती लिए हैं और यहाँ एक एक हम इसके बीच में इस तरह लगा देंगे। हमारा ब्लाउज बनकर रेडी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।